हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ़ ऑल अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज मैं यहाँ पे आप लोगों को 1857 का जो रिवॉल्ट था, जो कि बहुत ही अहम माना जाता है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में, उसे मैं यहाँ पे आप लोग को पढ़ाऊँगी। और इस वीडियो में सारे के सारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स हैं, सारे के सारी चीज़ें मैं इसमें कवर कराऊँगी। तो फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो, 1857 का जो संग्राम था वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई। और कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में, ठीक है। ये पॉइंट टू पॉइंट जो जो मैं यहाँ पे ऐसे सर्कल बना रही हूँ या फिर मार्क कर दे रही हूँ, उसको ज़रूर नोट करो, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद धीरे धीरे ये इसका फैलाव होने लगा, ये बढ़ने लगी। और ये कहाँ कहाँ पहुँची? तो सबसे पहले कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों तक फैल गई। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो शुरुआत हुई थी इसकी एक सैन्य विरोध से हुई थी। सैन्य विरोध के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। लेकिन कहते ना, समय के साथ सारी चीज़ें परिवर्तनशील होती हैं, तो उसी तरह से ये सैन्य विरोध जो है उसने अपना स्वरूप बदल दिया और जनव्यापी विरोध के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, और इससे क्या कहा गया है? इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है। इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है। अब चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैंने बोला था कि इसमें मैं हैंड रिटन नोट्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं ना 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड, सारी चीज़ें करा दूंगी, रिटन तरीके से आप लोग तक पहुंचा दूंगी। उसे आप नोट करिए, उसको आप लर्न करिए, उसको आप जैसे भी मेमोराइज़ करना चाहें करिए। और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछते हैं। सुपर टेट की बात करें तो पिछली बार जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे थे वो भी डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड ही पूछे थे, ऐसे ही पूछते हैं। तो आप लोग को सारी चीज़ें मेमोराइज़ करके चलनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो फिर, अब देखो इसका प्रतीक क्या था। प्रतीक कमल का फूल और रोटी को माना गया है, ठीक है। 1857 का जो महान विद्रोह था उसका प्रतीक कमल का फूल और रोटी को माना गया है। इस विद्रोह के टाइम में मिर्जा गालिब जो हैं वो ज़िंदा थे, उन्होंने इसको अपनी आँखों से देखा था। अगर ये पूछा जा सकता है कि कौन से उर्दू जो महान उर्दू शायर हैं वो उस समय ज़िंदा थे या उन्होंने अपनी आँखों से देखा था, तो वो कौन थे? मिर्जा गालिब, ठीक है। और उस समय जो ब्रिटेन के पीएम थे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? पार्मिस्टन थे, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल की बात की जाए तो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का नाम तो सबको याद ही होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले करते हैं हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये यही थे उस समय हमारे गवर्नर जनरल, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि इस जो विद्रोह को क्या संज्ञा दी गई थी, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी। तो वो किसने दिया था? वो दिया था वीडी सावरकर ने, ठीक है। वीडी सावरकर ने इस विद्रोह को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। अब देखो, इसके कई सारे कारण थे, इसके सामाजिक कारण थे और धार्मिक कारण थे, तत्कालीन कारण थे। तो पहले हम लोग तत्कालीन कारण को देखते हैं। यहाँ पे तत्कालीन कारण में पहले क्या था कि अंग्रेज जो हैं अंग्रेजी जो सैनिक थे वो क्या करते थे कि वो ब्राउन गैस का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि न्यू इनफील्ड राइफ़ल का इस्तेमाल करने लगे। किसका इस्तेमाल करने लगे? न्यू इनफील्ड राइफ़ल का इस्तेमाल करने लगे। और उसमें जो कारतूस यूज़ होती थी ना, वो कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बनती थी, ठीक है। वो कारतूस किससे बनती थी? गाय और सूअर की चर्बी से बनती थी। तो भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस चीज़ का पूरी तरह के तरीके से विरोध किया जाता था। अब इसी विरोध को आगे बढ़ाते हुए जो वहाँ के हमारे देश में जो उस समय के क्रांतिकारी लोग थे, जो नागरिक लोग थे, जो सैनिक लोग थे, भारतीय सैनिक थे, इसका विद्रोह किए कि भाई गाय और सूअर की चर्बी वाले जो कारतूस है उसको हम अपने मुँह में डाल करके उसको खोल के उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर इसी विद्रोह को आगे बढ़ाते हुए बैरकपुर छावनी बलिया निवासी मंगल पांडे
अपने अंग्रेज अधिकारी बाघ को गोली मारकर हत्या कर दिए। क्या कर दिए ये? इसी जो इसी कारतूस के यूज़ का जो विरोध है वो कौन किए थे? मंगल पांडे किए थे। हत्या कब किए थे? 29 मार्च 1857 को इन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारी बाघ की गोली मारकर हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद ये मामला और भी गंभीर हो गया, ठीक है। तब क्या है कि जो उनकी बटालियन थी, उनके बटालियन का क्या नाम था? 34NI, ठीक है। उनकी बटालियन 34NI को भंग कर दिए, ठीक है। अंग्रेज क्या किए? उनकी बटालियन 34NI को भंग कर दिए। भंग करने के बाद 8 अप्रैल 1857 में अंग्रेजों ने किसको? मंगल पांडे को फांसी दे दी, ठीक है। अब देखो, इस विद्रोह का आरंभ मैंने पहले ही बता दिया था कि इस विद्रोह का आरंभ कब हुआ था। इस विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को हुआ था, ठीक है। 10 मई 1857 को हुआ था, और कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था, ये भी मैंने बताया है। अब देखो क्या हुआ था एक्चुअली, प्रारंभ जब हुआ था तो क्या हुआ था। अब भाई 10 मई 1857 को क्या हुआ? जो मेरठ से जो सैनिक थे वो कहाँ से निकले? मेरठ से निकले, ठीक है। 11 मई को वो दिल्ली पहुँचे। अब 12 मई को 11 मई को वो दिल्ली पहुँचे 12 मई को पूरे दिल्ली पर अधिकार करके अंतिम मुग़ल बादशाह, वहाँ पे उस समय जो मुग़ल बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर। अब यहाँ पे मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि ये अंतिम मुग़ल बादशाह था, तो एक तरह से आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे बन गए कि जब जो सैनिक लोग थे वो 10 मई को जब मेरठ से निकल कर दिल्ली पहुँचे थे तो वहाँ पे कौन सा मुग़ल बादशाह था? बहादुर शाह जफर, और यही अंतिम मुग़ल बादशाह अभी था। दो क्वेश्चन यहाँ प्रिपेयर हो गया। तो बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किए। क्या किए ये लोग? ये लोग मेरठ से निकले, दिल्ली पहुँचे, दिल्ली में जा करके बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिए, ठीक है। अब 20 सितंबर 1857 को इन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने बादशाह को बंदी बना लिया। अंग्रेज़ों ने 20 सितंबर 1857 को बादशाह को बंदी बना लिया। अब 1862 में क्या होता है? 1862 में म्यांमार की जो राजधानी है रंगून, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और वहीं पे इनकी समाधि है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अंतिम जो मुग़ल वो था, शासक था बहादुर शाह जफर, उसकी समाधि कहाँ है? उसकी समाधि रंगून में ही बनी है, जो कि म्यांमार में है, ठीक है। और इसकी मज़ार पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जफर इतना बदनसीब था कि उसने अपनी मातृभूमि में 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई, उसे अपने मातृभूमि में 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई, ये उसकी समाधि पर लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आए, इसके बाद ये कहाँ कहाँ, ये विद्रोह का स्थान क्या था, कहाँ कहाँ ये विद्रोह फैला, और वहाँ पे जो भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, फिर अंग्रेज नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, ये सारी चीज़ें भी पढ़ाएंगे। इसके पहले देखो एक कारण और देख लेते हैं, सामाजिक और धार्मिक कारण। अब भाई देखो, तत्कालीन कारण में तो वो कारतूस वाली बात आ गई, ऐसे ही सामाजिक कारण में क्या थी कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने लायक है वो है कि पश्चिमी सभ्यता वो हमारे भारतीय समाज में फैलती चली जा रही थी। अंग्रेज़ों द्वारा पश्चिमी सभ्यता हमारे भारतीय समाज में फैलाई जा रही थी, ठीक है। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकार कानून में बदलाव कर दिया, और अब क्रिश्चन धर्म अपनाने वाला हिंदू ही अपने पूर्वजों की संपत्ति के हकदार बन सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो इन्होंने पाश्चात्य सभ्यता को हमारे भारत में, पाश्चात्य सभ्यता को फैलाने का एक बहुत बड़ा वो कर लिया था, और उन्होंने एक हद तक इसको फैलाना चाहा और फैला दिए भी थे, लेकिन इसका जमकर विरोध हुआ, जिसको एक कारण ये भी माना जाता है कि भाई 1857 का जो विरोध था उसका एक धार्मिक कारण ये भी है कि हम पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, और अपनी संस्कृति सभ्यता को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे, ठीक है। इसके अलावा मिशनरियों को पूरे भारत में धर्म परिवर्तन की छूट मिल गई थी। लोगों को लगा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को क्रिश्चियन बना सकती है,
बनाना चाहती है, भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही कुछ प्रथाओं जैसे सती प्रथा आदि को समाप्त करने पर लोगों के मन में असंतोष पैदा हुआ। हाँ, ये भी था कि यहाँ पे कई सारी समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी, ये सारी चीज़ें भी सती प्रथा का कब उसका उसको समाप्त किया क्या क्या कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊँगी। बट अभी इस वीडियो में बस इतना जानो कि सती प्रथा जैसी कई सारी जो कुरीतियाँ समाज में फैली हुई थी उनको ख़त्म कर रहे थे अंग्रेज़, ठीक है, उनको वो ख़त्म कर रहे थे। तो उनके ख़त्म करने पे क्या है ना कि जो भारतीय थे उनके मन में एक आक्रोश था कि भाई इतने सालों से चली आ रही हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति को ये ठेस पहुंचा रहे हैं, ठीक है, एक तरह से चेंज जो हो रहा था वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो इसको भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, ठीक है। अब बात आती है विद्रोह का स्थान। तो विद्रोह का स्थान भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे और अंग्रेज नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये सारी चीज़ें भी आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लें, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछी जा सकती हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले देखो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भारतीय नेतृत्वकर्ता एक थे बहादुर शाह जफर, अभी बात हुई है, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, और जफर बख्त खां थे दूसरे, और अंग्रेज नेतृत्वकर्ता थे हडसन निकोलसन, ठीक है। कानपुर की बात करें तो नाना साहब और तात्या टोपे, ये तो दो भारतीय नेतृत्वकर्ता थे, ये कहाँ के थे, कानपुर के थे, और वहाँ पे अंग्रेज नेतृत्वकर्ता कौन थे, कैंपवेल, ठीक है। उसके बाद लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हज़रत महल जो थी वो नेतृत्व कर रही थी भारतीयों का, और अंग्रेज नेतृत्वकर्ता इसमें भी कैंपवेल ही थे। अब बात आती है झांसी की, झांसी की बात आती है तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सबकी ज़ुबान पे अपने आप ही आ जाता है। तो यही बात है, यही ट्रिक है कि हाँ झांसी में कौन नेतृत्व कर रहा था इसका 1857 के रिवॉल्ट का, तो वो थी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, इन दोनों लोगों ने वहाँ पर नेतृत्व किया था। और यूरोज जो था वो अंग्रेज़ नेतृत्व करता था कहाँ का, झांसी का। फतेहपुर की बात करें तो अजीमुल्ला जो है वो भारतीय नेतृत्व करता था 1857 के रिवॉल्ट का, और अंग्रेज़ नेतृत्वकर्ता की बात करें तो जनरल रेनॉल्ड जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे। फैज़ाबाद आते हैं तो फैज़ाबाद में मौलवी है, ठीक है, मौलवी अहमद उल्लाह ये नेतृत्व कर रहे थे भारतीय उसका, और जो अंग्रेज़ नेतृत्वकर्ता थे वो थे जनरल रेनॉल्ड, यहाँ पर भी वही थे, ठीक है। अब देखो बरेली में खान बहादुर खां कर रहे थे, और बिसेंट आयर जो थे वो अंग्रेज़ नेतृत्व करता थे। अब बरेली के बाद जो रिवॉल्ट है वो कहाँ पे, इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में कौन था, लियाकत अली वहाँ के नेतृत्व कर रहे थे, और कर्नल निक जो थे वहाँ अंग्रेजी नेतृत्व करता थे। जगदीशपुर बिहार तक आते हैं, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, और जनरल टेलर जो है वो अंग्रेजी नेतृत्वकर्ता बिहार के थे। चलो आज के वीडियो में बस इतना करते हैं, इसके आगे भी इस जो रिवॉल्ट के कई सारी जानकारियाँ जो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगी, और इस रिवॉल्ट से इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है, सारे इंपॉर्टेंट थिंग इसी में कवर हो जा रही हैं। तो निश्चिंत रहिए, नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।